हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर फहीम और आप देख रहे हैं हमारा नया यूट्यूब चैनल। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं बकरों का वजन कैसे बढ़ाएं, बकरों का वेट गेन कैसे करें। इसी विषय को लेकर जो फार्म वाले होते हैं, जो हमारे कुर्बानी वाले व्यूवर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं बकरों का वजन बढ़ाने के लिए। बकरी की बहुत अच्छा डाइट दे रहे हैं लेकिन बकरा उनका मोटा नहीं हो पा रहा है। आज हम इसी विषय में बात करेंगे। तो मैं आपको आज ऐसे चार मेडिसिन बताऊंगा, चार ऐसे टॉनिक बताऊंगा जिनसे आप बकरों का वजन जो है आसानी से बढ़ा सकते हैं, और उन मेडिसिनों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बकरों की डिवॉर्मिंग के बारे में। बहुत से लोग ये होते हैं कि उन्हें पेट के कीड़ों की समस्या बकरों को होती है, और अच्छे से अच्छा फीड खिला रहे हैं लेकिन बकरा फिर भी मोटा नहीं हो। तो सबसे अहम कारण होता है बकरे के पेट में कीड़े होने का। तो साथियों, आप बकरे का कीड़ों के लक्षण कैसे पता करें? तो कीड़ों के लक्षण मैंने आप एक इस डिवॉर्मिंग के लिए एक वीडियो बनाया है, और उसको मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डिवॉर्मिंग की पूरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं मोटे तौर पर बता रहा हूँ कि बकरे के पेट में कीड़ों होने की वजह से बकरा जो है मोटा नहीं हो पाता, वेट गेन नहीं कर पाता, और उसका जो लीवर है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। ज़्यादा जानने के लिए वो मैंने आपको वीडियो बताई आई बटन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा टॉपिक है मिनरल मिक्सचर के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं, जो बकरों को बिल्कुल नहीं दे पाते, और बकरे का जो मेटाबॉलिज्म स्तर है, मिनरल मिक्सचर है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, ये सभी इंग्रेडिएंट्स न मिलने के कारण बच्चे का जो फैट है वो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाता, जिससे बकरा जो है आए दिन डाउन होने लगता है। तो आप मिनरल मिक्सचर अपने बकरों को ज़रूर खिलाएं, अपने फीड में मिनरल मिक्सचर ज़रूर ऐड करें। वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा कौन सा मिनरल मिक्सचर खिलाना है। और इसकी डोज की अगर हम बात करें मिनरल मिक्सचर की, तो आपको 20 से 30 ग्राम बकरे को रोज़ाना पर डे कम से कम एक महीने तक लगातार अपने बकरे को मिनरल मिक्सचर दें, और ये मेडिकल पर आसानी से मिल जाता है। इसका नाम है एग्रीमिन फोर्ट चिलेटेड, ये 1 किलो का आता है, और इसकी जो कॉस्ट होती है दोस्तों 160-170 रुपये के समथिंग होती है। अब हम तीसरी बात करेंगे एक मल्टी स्टार, जो एक मेटाबॉलिज्म बकरे के मेटाबॉलिज्म स्तर को बनाए रखता है, मांसपेशियों का शेड्यूल बनाए रखता है, मांसपेशियों को मसल्स को ग्रो कराता है। उसका नाम, इसमें भी कुछ काफ़ी इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मल्टी विटामिन्स हैं, और ये भी पाए जाते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे दोस्तों? इसे मांसपेशियों को मजबूत करेगा बकरे के, और ये मांसपेशियों को मजबूत के साथ साथ कैल्शियम और फॉस्फोरस इसमें मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये बकरों को काफ़ी अच्छा फायदेमंद होता है। ये वेट गेन करने में भी काफ़ी सपोर्ट करता है। अब तीसरी हम बात करेंगे ब्रोटोन, तो मैंने आपको बता दिया ब्रोटोन एक लीवर टॉनिक है, जो आप बकरे को लगातार आप इसको 20 से 25 दिन लगातार दें। ब्रोटोन जो होता है यह आधा लीटर का भी आता है दोस्तों, और 1 लीटर का भी आता है। इसके फायदे क्या होंगे? आपने डिवॉर्मिंग करा दी है बकरे को, मिनरल मिक्सचर भी खिला रहे हो बराबर, फिर भी बकरा कम खा रहा है, तो ये लीवर को कमांड करता है। तो जब आप बकरे को लीवर की दवा देते रहेंगे तो बकरे की भूख बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, और बकरा अच्छा जो भी खाएगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छा पाचन क्रिया करेगा। और जब आप लीवर टॉनिक बकरे को दे रहे हैं, अच्छी फीड खिला रहे हैं, तो बकरे को 4 से 5 घंटे के लिए आप टहला दें, खुला छोड़ें उसको, जो बकरा खाएगा तो उससे आसानी से उसको पचाएगा। तो ये मैंने लीवर के बारे में बता दिया। और अगर आप ये सब दवा फेल हो चुकी हैं और फिर भी बकरा उनका वेट गेन नहीं कर पा रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना ना भूलें। अगर आप कुर्बानी के बकरे का वज़न बढ़ाना चाहते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि 2.5 से 3 महीने के समथिंग बचा है बकरा ईद का, और फिर भी बच्चा जो है वेट गेन नहीं कर पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं एक बहुत अच्छा टॉनिक लेके आऊँगा, जिससे बकरा जो है तेज़ी से